राजा परीक्षित को श्राप लग गया है कि आज के सातवें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? मस्तक पर कलयुग बैठ गया था। आप देखिए कलयुग कितना खतरनाक है। राजा परीक्षित ने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती और क्या हुआ, कलयुग शीश पर बैठ गया। हम आप तो दिन भर गलतियां करते रहते हैं, दिन भर अपराध करते रहते हैं, क्या हमारे ऊपर कलयुग नहीं बैठेगा? जरूर बैठेगा। इसलिए कोशिश करो कि दिन भर गलतियों से बचो, गलतियां ज्यादा मत करो। कई लोग हो गए, एक गलती हो गई, बोले अब एक तो हो ही गई, अब दूसरी भी कर लेते, क्या जाता है। नहीं नहीं, मैया जी सती क्यों जली? क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने 5 गलती करी, और जो भी गलती करता है, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। पहली गलती, पति का कहना नहीं माना। दूसरी गलती, भगवान की परीक्षा ली। तीसरी गलती, फिर पति से झूठ बोला। चौथी गलती, सीता माँ बन करके परीक्षा ली। पांचवी गलती, पति से संकुचित भाव में भी नहीं प्रकट किया। गलतियों पर गलती की, अंत में सती जी को जलना पड़ा। इसलिए कोशिश करो, कम अपराध करो, पाप कम करो, तो कल्याण हो सकता है। राजा परीक्षित ने एक गलती करी, श्राप मिल गया। अब राजा परीक्षित चले हैं कहां कि मुक्ति का उपाय ढूंढा जाए। घर बार छोड़ करके चल दिए गंगा के किनारे, चलो मुक्ति ढूंढता हूं। हम आपको पता चल जाए कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो बोलो क्या करोगे? सबसे पहले घर छोड़ोगे? अरे चिपक के बैठ जाओगे, रिश्तेदार को फोन लगाओगे, भैया 7 दिन में मरने वाले हैं, नंदू के पापा, चिंटू की मम्मी, पिंटू की चाची, आ जाओ आखिरी बार देख ले, अब पता नहीं देखने को मिलोगे कि नहीं। बहू रानी से कहोगी बढ़िया बढ़िया चाय खीर बना दे, खा लूं, 7 दिन बाद तो जाना ही है। यही तो करोगे? बढ़िया बढ़िया, ए लाला ने एक मेरी सेल्फी ले ले, कम से कम मरने के बाद याद तो करेगो। ये करोगे और क्या करोगे? हर चीज में आजकल सेल्फी का ट्रेंड चल गया। रुद्राभिषेक आदमी कर रहा है, शंकर जी पर दूध डाल रहा है, और दूध आनंदी के आगे जा रहा, खुद लाइव वीडियो बना रहा है। अभी दूध कहाँ जा रहा है मतलब नहीं। अरे भैया मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन पूजन के समय, भजन के समय थोड़ा इन चीजों से बचो। आप मरने वाले होते तो यही सब करते, लेकिन भक्त कौन है जिसको, जो सब छोड़ करके, ठाकुर जी सब द्वारन को छोड़ के आ गई तेरे द्वार, बिहारी अब तू ही तो मेरा रखवाला है। परीक्षित जी जल्दी। अच्छा परीक्षित जी को क्या मुक्ति की आवश्यकता है? सच बताओ, जिस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारा, उसी गंगा के किनारे परीक्षित बैठे, क्या तर नहीं सकते थे? बेटे किसके हैं? अभिमन्यु के बेटे हैं, जो अर्जुन के पुत्र के बेटे हैं, वो अर्जुन जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, जिन अर्जुन के भगवान चरण दबाते हैं। जो महाभारत का समय था, तो एक दिन रात्रि में भगवान अपने शिविर से उठे, उठ करके गए और अर्जुन के पांव दबाने लगे। पीछे से युधिष्ठिर आए, देखा, अरे माधव क्यों पाप कर रहे हो, अर्जुन के पांव दबा रहे हो? भगवान ने कहा आज रोको मत। क्यों? बोले अर्जुन की रोम में जरा कान लगा के देखो। जैसे युधिष्ठिर ने कान लगाया, तो अर्जुन के रोम रोम से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा। बोले ऐसा भगत यदि कोई मेरा हो, तो मैं पांव क्या, नौकरी क्या, चाकरी क्या, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और उन अर्जुन के पौत्र है परीक्षित, बोलो क्या मुक्ति की जरूरत है उनको? जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया हो, क्या उसे मुक्ति की जरूरत है? मुक्ति कहते किसे? इस हेली सोल्यूशन में मत रहना कि मुक्ति का मतलब मर जाऊंगी तो ऊपर कोई दूध की नदी होगी, उसमें बढ़िया स्विमिंग करने को मिलेगा, ऊपर कोई बादल के ऊपर कोई बढ़िया दूध की, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम फ्लाइट से आए थे, तो बादल के ऊपर भी बादल था। मैं कहूँ फ्लाइट में बैठा हूँ, अगर यही मुक्ति मिले तो ले लूँ भाई, 1 किलो लेते चलूँ, अभी हमारे संस्था के लिए भी काम आएगी।
तो मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति कौन है? मुक्ति जीते जी प्राप्त की जाती है। संसार की चीजों से दूर हो जाना, मुक्त हो जाना, वही तो मुक्ति है। खूब जीवन भर दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखो, जीवन भर दूसरे का धन हड़प के खा जाओ जीवन भर, और कहो कि अब मरेंगे तो गऊ दान कर देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बोलो क्या मिल जाएगी? अरे साहब वे बेकार की बातें हैं, वो देने वाले भी बाजार सजा रखे और लेने वाले भी बाजार सजा रखे, उसी में तुम भ्रमित हो रहे हो। जीते जी मुक्ति प्राप्त करो, इस संसार के बंधन से जो मुक्त हो जाए। एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव भगवान नहीं आए, तोता नहीं था व्यासपीठ पे जैसा कल मैंने बताया था। तो यजमान से कहा, यजमान तोता नहीं है। यजमान तोता पकड़ के लाया, पिंजड़े में बंद करके रखा। अब पंडित जी ने यही शब्द सुनाए कि मुक्ति बंधन से मुक्त कर देती है। तोता बोल दिया, महाराज नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पंडित जी ने सुनाया, भागवत बंधन से मुक्त कर देती है। तोते ने कहा, नहीं भागवत बंधन में बांध देती है। बोलो क्यों? बोलो देखो बंध गया मैं, आपकी भागवत की वजह से ही बंधा। तो पंडित जी ने कहा, एक काम करना, कल तुम मरने की एक्टिंग कर लेना। हाँ, जैसे कथा शुरू हो, अब जैसे ही कथा शुरू हो तोता उल्टा हो गया, मरने की एक्टिंग कर ली। अभी यजमान को लगा मर गया, पिंजड़ा खोला तो तोता उड़ गया, और उड़ते ही बोला, गुरुजी समझ गया, मुक्ति किसे कहते हैं? जो संसार में रहते हुए भी संसार के लिए मर जाए वही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन छोड़ दिए मुक्ति मिल जाए। हाँ प्याज लहसुन नहीं खा रहे, घूस खूब खा रहे, दो नंबर की कमाई खूब खा रहे, मुक्ति मिल जाएगी? खाक मिल जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से जो मुक्त हो जाए वही तो मुक्ति है। जो त्याग दे हर चीजों को, 60-70 वर्ष के हो गए तो अब तक खूब जलेबी खा रहे थे, बोले नहीं भैया अब विषयों में अपनी जिह्वा को नहीं लगाना, अब तो भजन करना है, अब भगवत चर्चा करनी। राजा परीक्षित समझ गए हैं, राजा परीक्षित मुक्ति के लिए नहीं निकले, राजा परीक्षित निकले हैं भागवत कथा सुनने के लिए। ये पूरा विचार पूर्व निर्धारित था राजा परीक्षित के जीवन में।